गोरखा का एक ऐसा जवान जिसने अपना पैर खुद अपनी खुखरी से काट कर नकली पैर के दम पर भारतीय सेना में 22 सालों तक अपना योगदान दिया। ये वक्त था 1971 का, जब भारत और पाकिस्तान में घमासान युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान सिलहट के जंग में मेजर यान और उनकी टीम को काफी गोला बारूद का सामना करना पड़ा। उन्हें बताया गया था कि इस जगह पर पाकिस्तानियों के 200 से 300 सिपाही ही मौजूद है, लेकिन वहां तो पाकिस्तानियों के 8000 के करीब सैनिक मौजूद थे। तभी रेडियो पर बीबीसी की तरफ से एक खबर चलती है कि भारत ने सिलहट में अपनी पूरी ब्रिगेड को उतार दिया है। इस खबर को भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के सिपाही सुन रहे थे। फिर मेजर यान ने सोचा कि जब पाकिस्तानी यही सोच रहे हैं कि हमारी पूरी ब्रिगेड ही यहाँ मौजूद है, तो हम भी उन्हें यही आभास कराएंगे। और फिर उन्होंने पूरी टीम से चारों तरफ से फायरिंग करनी स्टार्ट करवा दी। इससे पाकिस्तानियों का मनोबल ऐसा टूटा कि वे सफेद झंडे के साथ आकर सरेंडर कर बैठे। इसी दौरान मेजर यान का पैर एक लैंडमाइन पर पड़ गया और उनका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया, और कोई मेडिकल ना होने के चलते उन्होंने अपना पैर खुद काट लिया और बाद में वे नकली पैर से ही भारतीय सेना में काम करते रहे।